तो व्यूवर अभी हमने गड़ियां तोड़ ली, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम में गड़ियों को अच्छे से तरीके से बनाते हैं। तो करारी बढ़िया कैसे बनेंगी आज की वीडियो में आपको हम जितना है, चलते हैं बढ़िया बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपने मसाले वाली भरी हुई करारी बढ़िया कैसे बनानी है। पूरे यूट्यूब पे आपको इसकी रेसिपी नहीं मिलेगी, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि हमने अपने बाग की ताज़ी भिंडियाँ उगाई हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। तो हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहिए, हमें 3,000 प्याज चाहिए। हमारे पास जो भिंडियाँ ऑलमोस्ट आधा किलो से थोड़ी कम है, उसके लिए हमें एक बड़े साइज का टमाटर चाहिए होगा, और 4 से 5 देसी सब मिर्ची जो कि अपने बाग की आप घर में अपने छत पर लगा सकते हैं, वो आपको चाहिए होंगी। तो इसके अंदर जो देसी हमारे पास चीज़ें हैं मिर्चें और भिंडियाँ ही हैं, बाकी मार्केट की चीज़ें आप वो यूज़ करेंगे। इसके अंदर स्पेशल मसाले होंगे जिनकी वजह से भिंडियाँ स्पेशल करारी बनेंगी। अभी हम इस काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छे से भिंडियाँ साफ कर लें, आप प्याज टमाटर तमाम चीज़ों को धो के अच्छे से प्याज की कटिंग कर लें। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं हमने कैसे कटिंग। भिंडियों को आप अच्छी तरह दोनों हेड इसके साफ कर लें, ज़्यादा भिंडी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बारीक बारीक से आप इसके हेड साफ करें। ताज़ी भिंडी है, देसी भिंडी है, तो इसे में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने बारीक बारीक ठीक है छोटे छोटे प्याज काटने हैं। तो इसी तरह भिंडियों को भी आप नॉर्मल साइज में कटिंग कर लें, ताकि आपको पकाने के दौरान इसको लाइट फ्राई करने से भिंडियाँ अच्छी तरह तमाम तरह पक जाएँ, ठीक है। इसको आपने सेंटर से काटना नहीं है। इसी तरह टमाटर की भी आप छोटे साइज़ में, आपको जो नॉर्मल साइज़ खाने में भी डलता है उसी में आपने कटिंग करनी है, और उसके साथ आपके पास जो देसी हरी मिर्च है, ठीक है, टमाटर कटिंग करने के बाद हमने लहसुन निकाल लिए। तो इसके बाद जो हमारे पास देसी मिर्ची उसको भी हमने इस्तेमाल छोटे साइज़ में काट लिया, और काट के उसको भी हमने यहाँ पर अपने पास स्टोर कर ली। और तभी हमारी बहुत बेहतरीन सी कटिंग हो चुकी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जाके किचन में आपको बताते हैं कि आपने इसको अच्छे से सफाई करने काटने के बाद बनाना कैसे है। बनाने का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, आप जिस नॉर्मल तरीके से बनाते हैं वैसे ही है, लेकिन कुछ मसाले एडिशन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो क्वान्टिटी ज़्यादा या कम हो जाएगी, और किस टाइम में मिसाइल डालने असली तक होगी। तो आपने वीडियो एंट्री आगे देखनी है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलते हैं किचन। आपने ऑयल के अंदर प्याज को डाल देना है, और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाना है अच्छे तरीके से। जब आपका प्याज ब्राउन हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने सबसे पहले कौन सा मसाला डालना है वो मैं आपको प्याज ब्राउन होने के बाद बताता हूँ। वीडियो में हम तकरीबन हसबे जायका 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो आपने प्याज लाइट ब्राउन होने से पहले इसके साथ साथ आपने नमक डाल देना है, इसका आपने लाजमी खास कर। आधी चम्मच आपने लाल पीसी हुई मिर्च डालनी है, और लाजमी आपने प्याज लाइट ब्राउन होने से पहले इस स्टेज पर आपने उसके बाद हल्दी आपने 1/4 हिस्सा चम्मच का डाल देना है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी चाहिए क्योंकि हम करारी भिंडियाँ बना रहे हैं, तो इसलिए आप मिर्चें थोड़ी सी और डालें, आपकी भिंडियाँ करारी हो जाएंगी। आपके प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो जब आपने मसाले डाल लिए, हमने तमाम नेचुरल मसाले डाले हैं, कोई हमने इन्ग्रीडियंट्स के अलावा मसाले नहीं डाले, जो कि भिंडी मसाला या बिरयानी मसाला, कोबरा मसाला, कुछ भी नहीं डाला। हमने नॉर्मल नमक डाला है, हमने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दिया है, और हल्दी डाली है, सिंपल चीज़ है। तो अच्छे से भिंडियों को हम तमाम प्याज के साथ और मसालों के साथ मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इस स्टेज पे आके जब हमारे 5 मिनट तक की भिंडी फ्राई हो चुकी है, हमने अब ला के इसमें सब्ज़ मिर्च डालनी है। जो हमने 5 सब्ज़ मिर्च छोटी मीडियम साइज काटी थी वो हमने इस स्टेज पर ला कर इसमें ऐड ऑन कर, भिंडियों के टमाटर ऐड कर देने हैं जो आपने बिल्कुल लास्ट स्टेज है। इसके बाद आपने भिंडी फ्राई हो चुकी है, प्याज आपके ब्राउन हो चुके थे, आपने सब्ज़ मिर्च डाल दी थी, अभी आपने टमाटर के साथ भिंडी को थोड़ा और फ्राई करना है, और फिर एंड में आपने दम दे देना है। तो आप 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करते हैं, उसके बाद दम देने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी 10 मिनट के बाद हमने इसमें थोड़ी सी और जगह बाकी है, तो इसको तमाम अच्छे तरीके से हिला के मिक्स करके दोबारा इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद आप दम पर लगाएंगे। हल्की आँख पर हमारी भिंडियाँ तैयार हो रही हैं, तो इसको मज़ीद 5 मिनट और पकड़ फिर हमारी डिश तैयार होगी। तो 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको दम पर लगा देते। तो व्यूअर्स, फाइनली हमारी करारी मसालेदार भरी हुई भिंडियाँ तैयार हैं, ठीक है। तो इनको हमने काट के अंदर मसाला नहीं भरा, हमने जहाँ से ये खुली थी वहाँ से मसाला इसके अंदर जाएगा। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं टमाटर ने प्रॉपरली पानी छोड़ दिया है, भिंडियों ने तेल छोड़ दिया है, प्याज सब कुछ अलग हो चुका है। तो अभी हमारी डिश ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, अभी इसे प्लेट में सर्व करेंगे। और अगर आपने इससे ज़्यादा भिंडियाँ करारी करनी है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन, आप इसके ऊपर चाट मसाला डालें, आपके ऊपर जो आर्टिफिशियल टेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में ये तरीका काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मजीद वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो हम अभी ट्राई करते हैं भिंडियाँ, आप भी इस रेसिपी से बनाकर मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपकी भिंडियाँ कैसी बनी। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।